बी ओके विथ गेटिंग बोर्ड. अब ये बात बहुत कम लोगों को समझ आएगी, आई एम नॉट श्योर कैसे समझ आएगी, बट द पॉइंट इज कि लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा हमको अचीव करना है तो हमको बोर्डम का सामना करना पड़ता है लाइफ में. हम बोर नहीं होना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बी कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन डूइंग समथिंग और द अदर, अंदर भी और बाहर भी. हमें ये नहीं पता है कि कुछ नहीं कैसे करते हैं. जब कुछ नहीं होता है करने के लिए तो हम बोर हो जाते हैं. तो बहुत लोगों का क्या है, अगर आप देखेंगे तो एक इंपल्सिव एक्शन है कि अगर कहीं पे एकदम से बोर हुए तो हाथ सीधा मोबाइल की तरफ चला गया, मोबाइल उठा के देखने लग गए, चाहे कुछ है नहीं देखने के लिए. क्यों? क्योंकि दे आर फीलिंग लोनली विद इन. तो वो कभी बोर्डम के साथ नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल में जो अंदर डीप डाउन जो कुछ होता है वहां तक तो वो कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं. अकेले में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जहां पर अकेले मतलब बिल्कुल अकेले, जब ना कोई मोबाइल फोन है ना कुछ है, वो एक तरह का टॉर्चर होगा. ये मत समझो कि उसमें बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, बोरिंग होगा. अभी बोर्डम का सामना करो. तो फिर इनसाइट आती है जब बोर्डम के साथ हम एक हो जाते हैं ना, जब हम अपने आप से भाग नहीं रहे होते हैं. अभी अगर आपके पास में $10 मिलियन है तो आप 100 मिलियन के पीछे भागोगे, फिर 100 होगा तो आप $1 बिलियन के पीछे भागोगे, वो भरता ही नहीं है. क्योंकि हम अंदर से खाली महसूस करते हैं तो इन सब चीजों से अपने आप को भरने की कोशिश करते हैं. हमें लगता है शायद इस सबसे भर जाएगा वो जो अंदर वॉइड है, लेकिन वो भरता नहीं है. वो एक अंधे कुएं का जैसा है, उसमें जितना मर्जी डाल दो वो भरता ही नहीं है. और बिलियनेयर्स उसको ध्यान से देख लो, उनकी भी लाइफ कोई बहुत बढ़िया नहीं है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. तो माई पॉइंट इज कि अब अपने आप से आपको ये क्वेश्चन पूछना है, क्या जिंदगी भर मुझे वही करते रहना है जो ये दुनिया मुझसे करवाना चाहती है, यानी क्या सक्सेस, पैसा, शादी. मैं क्या कह रहा हूं, अकेले में टाइम स्पेंड करो तो अंदर से आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और वो आपके अपने ओरिजिनल आंसर्स होंगे. आपको समझ आएगा लाइफ में एक्चुअल में क्या इंपॉर्टेंट है. अभी मैं बोल तो दूंगा, लेकिन वो सब चीजें आपके लिए थियोरेटिकल होगी. जब हम बोर्डम से होकर के गुजरते हैं ना 3-4 दिन तक, एक मेंटली एक टॉर्चर होता है, आप बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो, कुछ है ही नहीं करने के लिए. उसके बाद में आप देखते हो कुछ ऐसा जो यहां पर आपको नहीं दिख सकता, जहां पर अभी आप हो. क्या दिखता है? ब्रेथ चल रही है, हार्ट बीट आपको सुनाई देने लग जाती है, जो होता है वो दिखने लग जाता है. अंदर जो कुछ चल रहा होता है वो आपको समझ आ जाता है, वो कुछ नहीं है, एक तरह का शोर है जो हम अपने आप को बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना मेरी थिंकिंग, मेरे थॉट्स, वो कुछ नहीं है. आप अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, अब ये करूं ना करूं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अब ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा. तो नॉन स्टॉप आप अपने अंदर ही अंदर, हम सब अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है. अरे किसी चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए जगह तो होनी चाहिए, स्पेस तो होना चाहिए. उस स्पेस में पहुंचने के लिए बोर्डम से होकर के निकलना पड़ेगा. मतलब आप ये कह लो उस शांति तक पहुंचने के लिए आंधी तूफान से होते हुए निकलना पड़ेगा. अंदर एक तूफान आएगा, क्योंकि आदत क्या है, 24 घंटे या तो मोबाइल पे टाइम पास करते रहो, या अपनी जॉब करते रहो, बिजनेस करते रहो, टीवी देखते रहो, किसी ना किसी तरीके से टाइम पास करते रहो, टाइम को किल करते रहो. जब आपके पास कुछ नहीं होगा, कोई सपोर्ट नहीं होगा, तब आप एक्चुअल में देखोगे कि अंदर क्या है, एक खालीपन होगा. उस खालीपन में जब आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आंसर ऐसे निकल के आएगा. आप समझे मेरी बात, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई कंप्यूटर है और वो ऑलरेडी हैंग हुआ पड़ा है. क्यों? क्योंकि वो ओवर यूटिलाइज्ड है. ये ब्रेन है कंप्यूटर के जैसी, हो गई ना, ओवर यूटिलाइज्ड है. बट हमने क्या किया, कुछ दिन के लिए इसको छोड़ दिया, सारी प्रोसेसेस को छोड़ दिया. जबरदस्ती बंद करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर तो वो और ज्यादा हावी हो जाएगा आपके ऊपर थॉट्स. जो हो रहा है होने दिया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, उसके बाद में आप देखोगे धीरे 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 चीजें काम डाउन होने लग जाएगी. आप चल रहे होगे तो आप सिर्फ चल रहे होगे, उस टाइम कुछ सोच नहीं रहे होगे, और इस आंसर को ढूंढने की भी कोशिश नहीं कर रहे होगे कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए. बस ये क्वेश्चन पूछ के अपने आप को छोड़ दोगे, लेट मी सी मेरे को अपनी लाइफ से क्या चाहिए, बस खत्म. बार बार नहीं पूछना है. फिर कुछ दिन बाद जब ये आंधी तूफान अंदर खत्म हो जाएगा और ये जो बोर्डम आपको अंदर से तंग करेगा वो सबसे होकर के आप निकलोगे, तो एक शांति होगी. उस शांति में आपको सब कुछ क्लियरली नजर आने लग जाएगा. बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर आपको एक मानो लेक है, उसमें अपनी परछाई को देखना है, तो पहले उस लेक में जो उथल पुथल हो रही है, लहरें उठ रही हैं, वो रुकेगी ना. माइंड को एक लेक की तरह देखो, इसमें उठता रहता है कुछ ना कुछ. तो अब क्या होगा कि अब जब ये थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दोगे ना, आप कहोगे लेट इट बी, फोर्सफुली इसको रोकने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि जितना फोर्स लगाओगे उतना ही वो और बढ़ जाएगा. आप क्या कहोगे, लेट इट बी, कुछ दिनों तक जो होगा होने दो. धीरे धीरे आप देखोगे वो चीजें अपने आप ही काम डाउन होने लग जाएगी. फिर एक ऐसी लेक के जैसी होगी, बिल्कुल मिरर के जैसी, उसमें आप अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हो. आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा, आपको समझ आएगा
कि एक्चुअल में आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। आप मानिए आप एक शीशे में अपनी शक्ल देखने की कोशिश कर रहे हैं और वो शीशा गंदा है, तो क्या करना पड़ेगा, उस पर सफाई करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूं ना, अकेले में टाइम स्पेंड करना, ये बिल्कुल ऐसा है उस शीशे को साफ करना। क्योंकि ये आंसर आपको मैं नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता कि आपके लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। अब कैसे करोगे, अभी जितनी उथल पुथल माइंड में ऑलरेडी है वो मैं समझ पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि आपकी ब्रेन में क्या चल रहा है सुबह से रात तक, मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूं क्योंकि मैं इस फेज से निकल चुका हूं, तो मैं फील कर पा रहा हूं उसमें क्या होता है। हम एक काम को करना शुरू करते हैं बड़े एक्साइटमेंट के साथ, क्यों, क्योंकि अगेन उस खालीपन को भरने के लिए, फिर कुछ टाइम बाद लगता है बेकार है छोड़ो, फिर एक जल्दी में एक डिसीजन लेते हैं, कभी मन करता है सब कुछ ही पकड़ लो, कभी मन करता है सब कुछ ही छोड़ दो, मन करता है भाग जाओ सब छोड़ छाड़ के, मन करता है कि ये कर लो, कभी मन करता है छोड़ो इसमें भी कुछ नहीं पड़ा। तो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन हियर, अंदर एक तरह की महाभारत चल रही है, चक्रव्यूह है जिसमें हम फंस गए हैं जा करके। तो मैं आपको रास्ता बता रहा हूं कि उस चक्रव्यूह से निकलते कैसे हैं, कि उसका तरीका क्या है, क्योंकि ये काम जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने लाइफ में एक बार नहीं किया है, बहुत बार किया है, पिछले 10 साल में, उससे पहले नहीं किया था, बट 10 साल में आप कह सकते हो कम से कम भी नहीं तो मैंने 20 बार, यानी साल में ऑन एन एवरेज 2 बार एक एक हफ्ते के लिए मैं जाता हूं किसी ऐसी जगह पर जहां पर मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, मैं बस बैठा होता हूं काफी देर तक, एक चेयर पे बैठा हूं और सामने एक नदी बह रही है, बस उसको देख रहा हूं। कभी उत्तरकाशी चला गया, कभी ऋषिकेश चला गया, कभी इंडिया के बाहर चला गया, कभी कहीं चला गया पहाड़ों में, हिमालय पे चला गया, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो ऐसे अलग अलग जगह में जाता हूं जब भी वो अंदर से आता है, तो मैं सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ रोक करके वहां चला जाता हूं। तो इससे क्या होता है, अंदर से एक ऐसी स्ट्रेंथ मिलती है कि लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट होता है ना वो बचा रह जाता है, जो इसेंशियल होता है ना हमारे लिए, जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होता है वो बचा रह जाता है, बाकी सब छूट जाता है। कोई तुसी बोकला के लोगा।